मी डॉक्टर काले, मी खाजगी हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे. आमच्या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारचे ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन होतात. सोलापूर शहर जसने इधरबरातून कमिटी का जनरल सेक्रेटरी नाते से आज पुलिस आयुक्तालय में सभी अराकीन की बैठक बुलाई गई थी. इसी के साथ हमने सोलापुर शहर जश्न ईद मिलादन कमेटी सेक्रेटरी के नाते से 28 तारीख को जश्न ईद मिलादन मनाने का हमने पूरी तैयारी की थी. तो हमारे सोलापुर शहर के अहमद अली काजी अमर मुफ्ती साहब ने बताया कि भाई 28 तारीख को हमारी गणेश उत्सव का जो विसर्जन है तो हिंदू भाइयों की भावना को देख कर आप खुद इसको मनाए, हमको ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया. उनकी बात को हम लब्बैक करके आज सोलापुर शहर जश्न ईद मिलादन कमेटी के सभी अराकीन ने तय किया कि 28 तारीख को जो होने वाली जुलूस कमेटी की जो जुलूस वो 31 को मनाया जाएगा. और दूसरी बात, अभी हमको सीपी साहब ने कुछ बताया, जिस भाई को कुछ पता ही नहीं आज तक कि जुलूस कमेटी किस तरह से मनाई जाती है, अब वो भाई को पता ही नहीं कि भाई जुलूस कमेटी में आए भी नहीं. कि उन्होंने बताया कि बैंजो को परमिशन मत दो और डोडीबाजो को परमिशन मत दो और डीजे को. अरे भाई, हम डीजे लगाते नहीं और बैंजो बजाते नहीं, हुजूर के शान में हम नारे देते निकलते. वो जरा भाई को बताना कि हमारा भाई है वो, कि भाई तू कभी जुलूस में तुम आए क्या और जुलूस में कभी मुलाकात लिए क्या, तो जो डीजे के बारे में और इसके बारे में जो बात कर रहे. बस मैं इतना ही कहता हूँ कि पहले आप आकर मालूम मत ले, जब जाकर सीपी से मुलाकात ले, और कौम के बारे में जाकर नहा किधर उधर बदनामी मत करो. और कौम का जो है अल्लाह ताला सबको एक ही मौका दिया है और नबी के दामन नहीं छोड़ेंगे हम बोलते हैं, और दामन छोड़ गया परस्पर सीपी को मिल रहे. तो आपसे गुजारिश के बाद अमन शांति के साथ जश्न ईद मिलाद मनाया जाए. ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा.